राजस्थान दिवस पर आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की चौपाटियों में शानदार माहौल है। खास अंदाज में हाउसिंग बोर्ड की दोनों चौपाटियां आज नजर आ रही। राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति की झलक यहां पर नजर आ रही है। आगंतुकों को पसंद आ रहा हाउसिंग बोर्ड का प्रयास, लाइव बैंड पर फरमाइश पर राजस्थानी गाने यहाँ पर चल रहे हैं। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की चौपाटियों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां चौपाटी में भी रंगारंग प्रस्तुतियां यहां पर दी जा रही है। राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति की झलक चौपाटी में भी दिख रही है। यहां जो आगंतुक आए हैं वो हाउसिंग बोर्ड के इस प्रयास की काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। आज राजस्थान दिवस है, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में आरएचबी की तरफ से भी ये शानदार माहौल चौपाटियों में नजर आ रहा है, जहाँ खास अंदाज में हाउसिंग बोर्ड की दोनों चौपाटियाँ यहाँ पर हैं। राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति यहाँ झलक रही है। और चलिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, राजस्थान दिवस है, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है, लेकिन आरएचबी की जो चौपाटियां हैं वहां पर माहौल कुछ ज्यादा ही खास नजर आ रहा है। जरा वहां से तस्वीरें भी बयां कीजिए, लोग कैसे लुत्फ उठा रहे हैं। अस्मिता, माहौल जाहिर तौर पर बहुत खास है आरएचबी की चौपाटियों में, और वो इसलिए कि एक तो राजस्थान की संस्कृति और उसके साथ लजीज व्यंजनों का स्वाद, यानी दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। बढ़िया खाना खाइए और बढ़िया राजस्थानी दिवस को सेलिब्रेट कीजिए। और आप तस्वीरें देखिए, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की तस्वीरें इस तरीके के प्लेस पर आपको देखने को मिली होंगी पहले कभी। दर्शक भी इन तस्वीरों को देखेंगे तो बड़ी पसंद आएंगी उनको, जो हाउसिंग बोर्ड की मानसरोवर चौपाटी है, मैं वहाँ से अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ श्वेता। और आप देखिए कि जो चौपाटी का एंट्रेंस है वहाँ पर ही किस तरीके से कच्ची घोड़ी नृत्य किया जा रहा है, जो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। और आप देखिए आसपास जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए ये किसी शोगा से कम नहीं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपने मोबाइल से तस्वीरें ले रहे हैं, इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर इस तरीके का कार्यक्रम हो कि एक ही जगह पर आपको लजीज व्यंजनों का स्वाद भी मिल रहा है, बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, और उसी जगह पर आपको राजस्थान दिवस के मौके पर, क्योंकि राजस्थान दिवस आज हर राजस्थानी के लिए बड़ा दिन है, जब राजस्थान का स्थापना दिवस है 73वां, आप 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी। और आप तस्वीरें देखिए सुविधा इस तरीके से पूरी नृत्य है वो आपको नजर आएगा। इसी तरह का जो आयोजन है वो अंदर भी है, लेकिन हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके व्यूज क्या है। आप बताइए सर, किस तरीके की तैयारी है, क्या कहेंगे आप? तैयारियाँ राजस्थान दिवस को लेके जो इंतजाम है वो किस तरीके के लग रहे हैं आपको, ये बताइए। बढ़िया इंतजाम, शानदार इंतजाम, अच्छे लग रहे हैं। आप बताइए सर, कहाँ से आए आप? उदयपुर से। बताओ, उदयपुर से आए आप, कैसा माहौल लग रहा है जो यहाँ का? माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, जयपुर चौपाटी बहुत ही अच्छी लगी, और यहाँ का जो राजस्थानी सॉन्ग प्रदर्शन था वो भी बहुत शानदार रहा। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए? अजमेर से सर। आप बताइए अजमेर वाले भाई साहब, कैसा लग रहा है? सब बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया, पहली बार देखा ऐसा चौपाटी। तो खाने का खाना और राजस्थानी संस्कृति भी देखने को मिल रही है। आप साहब खाना खाया, पाव भाजी बहुत मस्त, पाव भाजी अच्छी थी, वो लोक कलाकार है राजस्थान के, वो भी अच्छे बहुत, यानी इसमें सारा फूट रहेगी। इसमें एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे कि किस तरीके से मोबाइल में लोग इसको कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक सौगात है। जाहिर तौर पर चौपाटी में लोग पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कोशिश जो है हाउसिंग बोर्ड की वो ये है कि हर जो बड़ा आयोजन है, क्योंकि जब 31 दिसंबर का आयोजन, जब 31 दिसंबर था, जब 31 था, नया साल आना था, तब भी यहाँ पर खास सेलिब्रेशन था। आप देखिए थोड़ा सा बजाइए सर, इसको बजा के स्वागत कीजिए। ये आप देखिए श्वेता, ये अक्सर ऐसी तस्वीरें 5 सितारा होटलों में देखने को मिलती हैं, लेकिन चौपाटी पे आप देखिए कि किस तरीके से राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति में जिस तरह की तस्वीरें आप किलों में देखती हैं, जिस तरह की तस्वीरें दर्शक महलों में देखते हैं, वो तस्वीरें आपको चौपाटी में नजर आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो चौपाटी का आयोजन है वो काफ़ी खास है, और आज यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको और दिखाएंगे। आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से।
माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज राजस्थान दिवस है, इसलिए तैयारियां की गई है, बताया आपको। आज पहली बार ही आए हम लोग यहाँ पर। पहली बार ही आए, तो यात्रा सफल रही आपकी, पहली बार रही, अच्छी रही। और हम कुछ लोगों से श्वेता बात करेंगे, कुछ तस्वीरें हम और भी दिखाएंगे, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि राजस्थान दिवस पर जो हाउसिंग बोर्ड की चौपाटियां हैं वो पूरे तरीके से राजस्थान की संस्कृति में सराबोर नजर आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले श्वेता हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था, कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत भी की, और जो लोगों के व्यूज हैं, क्योंकि जब से हम हैं यहाँ पर काफी लोगों से हम बात कर चुके हैं, सब यही कह रहे हैं कि काफी अच्छा उनको लग रहा है आज जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थानी लोक कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है, मैं लोगों से कहूँ, हालांकि काफी देर से बजा रहे हैं तो थोड़ा सा थक गए हैं, लेकिन फिर भी हम दर्शकों के लिए यहाँ पर इनसे कहेंगे कि थोड़ी सी और वो प्रस्तुति दें। तो कुल मिलाकर श्वेता, कोशिश जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने की थी कि राजस्थान दिवस को खास बनाया जाए, क्योंकि राजस्थान दिवस पर अक्सर हम देखते हैं कि एक ही तरह का कार्यक्रम देखते हैं, अल्बर्ट हॉल पर हो जाता है या और कोई एक मुख्य कार्यक्रम होता है, लेकिन पहली बार है जब चौपाटी कोई हो, खाने की जगह हो, और वहां पर इस तरीके का कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आयोजित हो रहा है। और देखिए आप, क्या शानदार कार्यक्रम है, बिल्कुल जो राजस्थान की जो मुख्य संस्कृति है, जो राजस्थान का मुख्य नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य, वो आपको नजर आ रहा है। पीछे जो गाने बज रहे हैं लाइव बैंड पर, वो भी राजस्थानी है। और इस तरफ आप तस्वीरें देखिए कि हर कोई चाह रहा है कि मोबाइल में इन तस्वीरों को कैप्चर कर लें, क्योंकि जाहिर तौर पर इस तरीके का नज़ारा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। क्राउड भी काफ़ी है, काफ़ी तादाद में लोग हैं। और भी आप सजावट देखिए आप, किस तरीके की जो छतरियां लगाई गई हैं, ये भी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। तो जो शिवेंद्र, क्योंकि राजस्थान दिवस हो, पर्यटन स्थलों पर तो बहुत ऐसे इंतजाम देखे, लेकिन चौपाटी में ऐसे तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है जिस तरह से यहाँ नजर आ रही हैं।